नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंजल्स पैशन। आज हम बनाएंगे होममेड पिज्जा, जो हम होटल रेस्टोरेंट में मंगा के खाते हैं। आज हम उसे घर पे बनाएंगे, वो भी बिना ईस्ट और बिना ओवन के कढ़ाई में बनाएंगे। और सब कुछ हम घर पे ही बनाएंगे, पिज्जा का बेस, पिज्जा चटनी और उसका स्टफिंग भी। तो आइए पहले हम पिज्जा का स्टफिंग बना लेते हैं। पिज्जा का स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पनीर और टमाटो, कैप्सिकम और ऑनियन को स्लाइसेस में कट करके ले लिए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा ऑयल। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। हम इसको थोड़ा फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे कच्चा भी डाल सकते हैं। हम टमाटो को ही इसे कच्चे डालेंगे और कैप्सिकम, ऑनियन, पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हम पनीर पिज्ज़ा बना रहे हैं, आप चाहे तो इसमें मशरूम डाल सकते हैं या फिर चिकन या एग डाल सकते हैं, या फिर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने तीनों को थोड़ा फ्राई कर लिए हैं। अभी हम पिज्ज़ा सॉस बना लेते हैं, इसलिए हमने चार मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ा ऑनियन, तीन रेड चिली और थोड़ा गार्लिक लिए हैं। अभी हम कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल देते हैं और गार्लिक, ऑनियन और रेड चिली को डाल देंगे। इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे और अभी हम टमाटो को भी डाल देते हैं। टमाटो हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम अभी नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और इसमें डाल देंगे थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा पिज्जा ओरिगानो, आप तीखा जितना पसंद करते हैं उसी हिसाब से रेड चिली पाउडर डालिए। हम टमाटो को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे और अभी हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच शुगर और दो चम्मच टमाटो केचप, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा टमाटर ठंडा होता है, हम पिज्ज़ा बेस बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल मैदा लिया है, उसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, दो पिंच जितना बेकिंग सोडा डालेंगे और एक चम्मच शुगर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा बाउल जितना कॉर्ड, इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक डो बनाएंगे। हमें डो को सॉफ्ट ही बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है। देखिए कितना सॉफ्ट गूंथा है, आटा हमारे हाथों में चिपक रहा है। अभी हम उसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल, ऑयल डालना ज़रूरी है। ऑयल डाल के हम उसको अच्छे से मसल के चिकना करेंगे। देखिए, हमने पिज्जा बेस बनाने का डो बना लिए हैं। हमें इस डो को रेस्ट नहीं देना है, इंस्टेंट ही बनाना है। हमारा टमाटर जो है ठंडा हो चुका है, हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, हमने उसका पेस्ट बना लिए हैं। अब पिज्ज़ा का बेस बना लेते हैं। इतने डो में हमारा दो पिज्ज़ा बन जाएगा। हम थोड़ा मीडियम साइज़ के पिज्ज़ा बनाएंगे, 9 इंच का पिज्ज़ा बनाएंगे। अभी हम एक लोई लेंगे, उसमें थोड़ा सूखा मैदा लगा के उसको रोल करेंगे। आप इसे बेलन से थोड़ा बेल सकते हैं या फिर हाथों से ही उसको ऐसा रोटी का शेप दे सकते हैं। हमें इसको ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम साइज़ का थिकनेस रखना है, ताकि ये बनने के बाद डबल साइज़ का थिकनेस आ जाए उसमें। अब हम गैस ऑन करके उसमें एक कढ़ाई रख देंगे, वो कढ़ाई थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसमें एक बाउल नमक डाल देंगे, नमक को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसमें हम एक स्टैंड रखेंगे, अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप ऐसा कटोरी रख सकते हैं। हम इसी प्लेट में पिज्ज़ा बनाएंगे, इसमें थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे और ऐसे फोक से हमें पिज्ज़ा बेस को होल्स बना लेना है।
ताकि हमारा पिज्जा बेस जो है वो अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। अभी हम यहाँ पे बना के रखे हुए पिज्जा सॉस को लगा देते हैं, चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अगर आपके पास ये पिज्जा सॉस बनाने के लिए टाइम नहीं है तो आप एक इंस्टेंट पिज्जा सॉस भी बना सकते हैं, जो कि आप टमाटो केचप को लेके उसमें गार्लिक और रेड चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो ये सब डाल के भी बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे मोजरेला चीज ग्रेट करके ले लिए हैं, उसको चारों तरफ डाल देते हैं। और हमारा जो स्टफिंग है पनीर, कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो, उसको भी ऐसे रख देते हैं। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमने स्टफिंग को रख दिए हैं अच्छे से और अभी हम ऊपर से थोड़ा चीज डालेंगे। आप अगर चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी हम इसे कढ़ाई में रख देंगे और ढक के 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट हो गया है, अब हम इसे निकाल देंगे। हमारा चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, देखिए ये दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और खाने में उसे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बिना ओवन के, बिना ईस्ट के हमारा इतना अच्छा पिज्ज़ा बन के तैयार हो गया है। कोई भी खा के नहीं बोल पाएगा कि ये बिना ईस्ट का बना है और बिना ओवन का भी। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स और थोड़ा पिज्ज़ा ऑरेगानो। आपको कैसा लगा यह पिज़्ज़ा रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।